महादेव जी आपसे कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आज मुझे तुम निराश मत करना, क्योंकि हमेशा तुम संदेश को बीच में ही छोड़कर चले जाते हो। तुम्हारे इस हरकतों की वजह से महादेव बहुत दुखी हो जाते हैं और तुम्हारे महादेव का आधा अधूरा ही बात सुनते हो। मेरे बच्चे, आज संदेश को पूरा सुन लिया तो यकीन मानो तुम्हें कोई दूसरा संदेश सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे सारी समस्याएं खत्म हो जाए। ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है, इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं बल्कि तुम अपने दोस्त से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय उठ खड़े होने का मौका दे रहा है। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो। और मेरी एक बात को कभी भी मत बोलना, वह ये है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिलते रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। अच्छे गुण अपने अंदर लाने से तुम्हें समय लगता है, परंतु बुरी संगत तुम्हें तुम्हारे बिना ही की मेहनत के प्राप्त हो जाएगी। जीवन में अगर कुछ करना है, एक बहुत अच्छा इंसान बनना है, तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। मनुष्य को सदैव ही अपना मित्र बनाना, जो खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचे, जो सदैव अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे भगवान है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रही सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना, और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। अगर तुम अपने कष्ट को किसी को बताते हो तो ना ही उससे कुछ नहीं होगा बल्कि तुम्हें कष्ट ही होगा। फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा और तुम्हारे मन को कष्ट के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, हर पल तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारी सुरक्षा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों की सदैव ही मदद करते हो, तुम लोगों से अत्यधिक प्रेम करते हो, इसी कारण से मैं तुम्हें अत्यधिक पसंद करती है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा बोले हो और इसी भोलेपन के कारण लोगों ने तुम्हारा बहुत ही फायदा उठाया है। लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं, तुम्हें बुरा तो लगता है कि जिनके लिए तुम इतना करते होंगे, जिनके लिए इतना सोचते हो, वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं तो तुम किसी से कहते नहीं हो, परंतु अंदर से तुम टूट जाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत सच्चे और बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कुछ गुप्त शत्रु भी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं, क्योंकि तुम जितने ही अच्छे हो उतने ही लोग जो बुरे होते हैं बुरा कार्य करते हैं। अरे मार्केट एक दिन में बनकर आएंगे। मेरे बच्चे, सदैव याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम ये जानते हो, तुमसे भी कुछ कर्म गलत होने वाले होते हैं, परंतु मैं तुम्हारा हाथ थाम लेती हूँ, मैं तुम्हें हर बुरे कार्य को करने से बचाती हूँ। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस वक्त हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो, तुम बहुत ही हार मान लेते हो, परंतु तुम ये तो जानते हो कि इस धरती पर जो होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे कुछ वजह होती है। मेरे होते हुए दुखी क्यों होते हो मेरे बच्चे? तुम मेरी इतनी आराध करते हो, मुझे तुम सच्चे दिल से मानते हो, तो फिर क्यों डरते हो? घर पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मैं सदा तुम्हारे शत्रुओं से बचाती हूँ और आगे भी बचाती रहो। मेरे बच्चे, और अपना ख्याल रखना, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। अपनी माँ पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें संदेश के चुना है और आज तुम्हारी माँ काली तुमसे कुछ कहना चाहती है, मुझे आज ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है, परंतु मैं देख रही हूँ तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो, जिस कारण तुम्हें बहुत सी परेशानियाँ उठानी पड़ रही है।
और तुम्हारे जीवन में उन परेशानियों के चलते बहुत से दुख भी तुम्हें भोगने पड़ रहे मेरे बच्चे। ऐसा क्या हो गया जो तुम बार बार मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी माता से अब प्यार नहीं रहा, या फिर तुम्हें अब मेरी बातें सुनने में कोई रुचि नहीं रही? मैं तुम्हें हर बार एक नया संदेश देती हूँ, परंतु तुम ना जाने क्यों मेरी कुछ बातों को जानकर अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम मुझे सुनते हो, पर मुझे सुनने के बाद तुम अपने जीवन में क्या परिवर्तन करते हो वो बात महत्वपूर्ण है। यदि तुम मुझे सुनकर मेरी बातों को अपने जीवन में केवल कुछ दिनों के लिए करते हो, तो उसका परिणाम तुम्हें पूर्ण रूप से नहीं मिल सकेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं जो बातें की मैं तुम्हें हर रोज करनी चाहिए, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव होंगे। अभी भी देर नहीं हुई है, संभल जाओ। मैं जानती हूँ तुम में नादानी में कई सारी गलतियाँ भी करी है, परंतु उन गलतियों को करने से तुम्हें कुछ चीजों में सबक लेना चाहिए, जो तुम उस गलती को बार बार मत दोहरा। तुम्हारी ऐसी गलतियां करने से तुम जहां तक पहुंचना चाहते हो तुम वहां तक नहीं पहुंच रहे। यदि तुम्हें वहां तक पहुंचना है जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हें अब अपनी गलतियों से कुछ सीखना होगा, तथा वह गलतियां बार बार मत दोहरा जिससे दोहरा कर तुझे दुख प्राप्त हो रहे हैं। मैं तुम्हें कई बार यह बात बता चुकी हूँ, चेतावनी देकर गई, परंतु तुम इन गलतियों के कारणों से जिंदगी में कई बार असफल हो रहे हो, इसलिए तुम्हारा इन गलतियों को दोहराने का ये सिलसिला अब यही खत्म करना चाहिए। कई बार सावधान भी किया था कि पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ो, परंतु तुमने हर बार की तरह मेरी बात अय कर दिया। ना जाने क्या तुम्हारे मन में इस समय चल रहा है जो तुम मेरी बातों को सुनते हो, परंतु जब उन्हें करने की बारी आती है तो तुम स्वयं से हार मान जाते हो। मेरे बच्चे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, और उस राह पर चलकर तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे होते हुए तुम्हें इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा, तुम बस समय रहते पश्चाताप करना, फिर देखना तुम्हें जीवन में कई परिवर्तन होते हुए महसूस होंगे, और यह परिवर्तन ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। परंतु एक बात तुम ये जान लो कि मैं तुम्हें चाहे कितनी भी दिखा दो, उस पर चलने के लिए तुम्हें प्रयास स्वयं करना होगा। तुम्हारे प्रयास करने से तुम्हें उस रास्ते पर सफलता अवश्य मिलेगी। यह मेरा वादा है तुमसे कि यदि तुमने प्रयास किया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम ही जीत के लिए बार बार कई प्रयास करने पड़ सकते हैं, परंतु ये याद रखना, तभी तुम्हारी जिंदगी में कुछ नए मोड़ आएंगे, क्योंकि बार बार प्रयास करने से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तुम जो गलती एक बार करोगे, उस गल को दूसरी बार दोहराने से पहले 100 बार सोचोगे, और यही प्रयास से हो पाएगा तुम्हारे भाग्य सफल होना निश्चित। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो भी बताया है तुम्हें उसे जरूर अपनाना। यदि तुम उसे अपना आते हो तो तुम्हें अपनी हर तकलीफ से आज ही मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी, और तू खुशहाल जीवन में प्रवेश कर जाओगे। ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारी मनचाही सफलता हासिल होगी, क्योंकि सफलता भी ये देती है कि सामने वाला मुझे पाने के लिए कितना व्याकुल है, और उस व्याकुलता के चलती है वो तुम्हें आसानी से मिल जाती है। लेकिन तुम्हारे अंदर उसे पाने की आँख होनी चाहिए। ये जीवन जो तुम्हें मिला है, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम्हें प्राप्त अभिषेक, बुरे कर्म करके खराब मत करना, क्योंकि तुम्हें इस जीवन का हिसाब डिसीजन हमें देना है। इसलिए जो तुम अच्छे कार्य करोगे वही तुम्हें वापस प्राप्त होंगे। और अब उन चीजों को करना छोड़ दो जिन चीजों से तुम्हारी माता को तकलीफ हो है। धनवान ही हो, जरूरी नहीं कि तुम सहायता के लिए पूंजी दो। जरूरी यह है कि तुम्हारे हृदय में एक में इच्छा जागृत होनी चाहिए, और यही इच्छा तुमसे इस तरह से काम करवाएगी जिसमें तुम्हें सभी के हृदय में विराजमान शक्ति तुम्हारी शक्ति को दोगुना कर तुम्हारी किस्मत को चमका देगी। यदि तुम अच्छे कार्य कर रहे हो तो तुम लोगों की भलाई कर रहे हो, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो, अपने माता पिता का मान सम्मान करते हुए उनकी हर आज्ञा का पालन करते हो, तो तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल और केवल
केवल अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए कि मैं सही कर्म कर रहा हूँ, और उसके अलावा तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि परीक्षा तो जीवन में हर समय देनी पड़ती है। जब भी तुम किसी मुकाम पर पहुँचते हो तब तुम्हें कक्षा 10 कक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। उसी प्रकार जीवन में तुम्हारी परीक्षा से और उत्तीर्ण होते हुए हुए तू ही ऊंचाइयों का मुकाम हासिल होता है। इस संसार में इस बार मेरे दर्द को समझ लेना चाहिए। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि यदि तुम सही कर्म को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चिंता केवल उन लोगों को करने की आवश्यकता है जिन्होंने कर्म सही नहीं किए, क्योंकि जिस प्रकार पढ़ने वाले बच्चे का उत्तीर्ण होना उसके पढ़ने पर निर्धार करता है और उसे है पूर्ण विश्वास होता है कि वो उत्तीर्ण हो ही जाएगा, उसी प्रकार जो अच्छे कर्म करते हैं वह जीवन के हर मोड़ पर और उत्तीर्ण होते हैं। मेरे बच्चे, ये जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार तुमने इस चीज पर ध्यान दिया होगा कि तुम्हें रात में नींद नहीं आ रही है। अगर तुम कई महीनों से चैन से सो नहीं पाए हो और तुम्हें नींद आ ही नहीं रही है तो तुम इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो और दिन रात अपनी इच्छा के बारे में ही सोचे जा रहे हो। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी इच्छा के अलावा कोई और बात नहीं घूम रही है। तब तुझे समझ जाना है कि यह एक बहुत ही बड़ा संकेत है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को छोड़ देना है, उसके बारे में इतना सोचते नहीं रहना है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को मेरे हाथों में सौंप देना है ताकि तुम्हारी चीजें रे जीवन में बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त करा सकूं। इसलिए तुम्हें ये संकेत मिल रहे हैं जिसके लिए तुमने इतनी सारी चीजें कर ली है। बहुत जल्द तुम्हारे असल जीवन में तुम्हें मिलने वाला है जिसके लिए तुम्हें अपनी इच्छा के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। वो इच्छा मंजूर हो चुकी है। बहुत जल्द बहुत अच्छा तुम्हारे जीवन में आने वाली है, लेकिन इसे बांध कर ले रख। मेरे बच्चे, अपनी इच्छा को मुझ पर छोड़ ही नहीं रहे हो, इसलिए सब कुछ तैयार होने के बाद भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। मेरे बच्चे, तुमने ही अपनी इच्छा को रोक कर रखा है। तुम अपनी इच्छा को छोड़ ही नहीं रहे हो और तुम ही अपनी इच्छा को पूरा भी नहीं होने दे रहे हो। यदि तुम अपनी इच्छा को छोड़ दोगे और मुझसे कह दोगे कि माँ सब कुछ आपके हाथों में है, अब मैं तैयार हूँ अपनी इच्छा के लिए, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे बच्चे, यदि वह वाली भावनाएं तो अपने अंदर ले आते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए सारी चीजें कैसे काम करने लग जाएंगे और तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी से तुम्हारे जीवन में आ जाएगी और जो तुम चाहते हो वह पूरा हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि मैं संकेत दे रही हूँ, तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। इसके लिए तुम्हें ये सब करना होगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। जय माँ काली। मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ खास बात बताना चाहती हूँ। जिन बातों को आज तक मैं तुमसे छुपाती रही तुम्हें कभी बताया नहीं, क्योंकि उन बातों को जानने का समय अब आ चुका है। और उसका कारण केवल ये है कि तुमने वो एक ऐसा कार्य किया है जिसको करके तुमने मेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं उसको बताना चाहती हूँ, जिसे जाने के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा लेकिन तुम्हारी आँखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। किस चिंता में पड़े हुए हो, सब चिंताओं को छोड़ दो। इस बात जान रखो मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुमसे कुछ नहीं छुपाती, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी माँ होते हुए तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। और आज तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा पसंद है तुम्हें मुझसे छुपाना नहीं, बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ जो आज तक कभी पता नहीं सकी। मेरा बच्चा इतना नादान और बोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बातों को समझ नहीं पाएगा, इसलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से बता देनी जरूरी होंगी, जिनको ध्यान पूर्वक सुनना और समझना मेरे बच्चे, क्योंकि यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएंगे और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है, उसमें जो बताया है वह कुछ खास नहीं है, ऐसा आभास होगा। इसलिए मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है। इंसान तो क्या ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है, और वही गुण तुम्हारे पास है, और वह गुण है तुम्हारा सच बोलना। तुम सदैव तो सच बोलते हो, उस बात से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। और अब समय आ गया है ये जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी आर्थिक मदद करने वाला है। तुम्हारी स्थिति से उभरने के लिए वो तुम सहायता करेगा। वो इंसान
इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, मैं तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वह तुम्हारा कोई भी अपना ही निजी व्यक्ति। तुम्हें तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम्हारी सहायता करके मैं मदद करेगा, क्योंकि मेरे बच्चे तुम भी तो अपने माता पिता के बहुत अखिया मानते हो, अपने माता पिता को बहुत खुश रखते हो। तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ खुशियाँ बांटते हैं, उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। जो दूसरों के दुख में दुखी होना चाहता है, उसकी परेशानी ज्यादा पास नहीं आती। एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो ये समझ लेता है कि दुख और सुख का हिसाब क्या है, कोसों दूर रहता है, परेशानी से उसके जीवन में आती नहीं है, और जो कि अंधेरों में घूम रहता है, जिसके अंदर सुख दुख का ज्ञान नहीं होता, वह भटकने में ही रह जाता है। ना तो के जीवन में समस्या खत्म होती है और ना ही किए गए किसी भी काम को करने के पश्चात भी प्रसन्न रहता है, केवल दुखी रहना उसका काम होता है। और ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो अपने सुख से खुश नहीं होते और दूसरों की खुशियों से दुखी होते हैं। इंसान को हर पल अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है, क्योंकि कर्म ठीक उसी पेड़ की तरह है, जिस पेड़ पर फल उसी प्रकार लगते हैं जिस तरह का पेड़ होता है। यदि किसी फल का पेड़ होता है तो उसमें मीठे फल लगते हैं, और किसी कड़वी फल के पेड़ में केवल कड़वे ही लगते हैं। जो तुम्हारे लिए हितकारी है, तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाऊंगी, मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, मेरे अगले संदेश की प्रति करना। मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई अपना जो तुम्हारे साथ किसी और से मिलकर धोखा दे रहा है, इसलिए आज मैं तुम्हें उसके बारे पूर्ण रूप से बताने आई है और तुम्हें समझा नहीं आई, जिससे कि आगे चलकर तुम तो खाना खाओ। मेरी बातों को ध्यान पूर्वक पूर्ण रूप से बारीकी से समझना और सीढ़ी बसेरी तुम वही करना। किसी के तुम्हारे बहुत करीब रहने पर उसे तुम्हारे अंदर की गतिविधियों का ज्ञान होता है, क्योंकि जब कोई भी तुम्हारे संपर्क में आता, क्या तुम किसी के संपर्क में आते हो, तो आपसी तालमेल से कई तुम किसी और से सुझाव भी लेते हो और अपने मन की बातें कहते हो। सामने वाले को तुम्हारी बातें सब पता चल जाती है, और उसकी बातें भले ही तुम्हें ना पता चले, पर बहुत प्रभाव पड़ता है तुम्हारे जीवन पर। यदि एक गलत आदमी भी तुम्हारे करीब है, तो क्योंकि तुम्हारी सारी के कार्य पर अमल नहीं करता, बल्कि एक गलत निगाह रखता है, एक ऐसी निगाह जो केवल नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है, ऐसा व्यक्ति केवल कार्य को बिगाड़ने में है, ज्यादा शक्ति लगाना है। ऐसी जुदाई की भावना जिसको किसी का अच्छा होने पर बहुत कष्ट होता है, ऐसा व्यक्ति लकड़ी में लगी उस खून के समान होता है, जो लकड़ी के अंदर ही उसको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। कहने का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति के संपर्क में ऐसा व्यक्ति आता है, उसे अंदर से कमजोर कर देता है और उसके सभी कामों को फेल करना प्रारंभ कर दे, क्योंकि अपनी प्रकृति पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति ही ऐसी होती है काम को बिगाड़ना। लेकिन ऐसे खतरनाक व्यक्ति से तुम्हें बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हें लगातार और तुमने मेहनत ईमानदारी से ही कार्य को संपूर्ण की है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के हाथों धोखा खाना, जो कि तुम्हें केवल बर्बादी के इरादे से तुम पर नजर गड़ाए हुए हैं, तो निश्चित ही तो है उसे भाग लेना चाहिए, इससे पहले कि वह तुम्हारा काम बिगाड़े। तुम अपने काम के प्रति पूरी तरह सतर्क हो जाए, इस बात का यकीन कर लो मेरे बच्चे, वह तुम्हें ऐसे ही सर रास्ते बताएगा जिन रास्तों पर जाकर तुम भटक जाओगे और असली रास्ता ही भूल जाओगे। इसलिए कभी भूल ऐसा कोई कार्य जिससे कि तुम अपने बने बनाए काम को बिगाड़ लो, क्योंकि उस व्यक्ति के मन में शांति नहीं है और वो तुम्हारे मन की शांति को भी। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा, कृपया इसे नजरअंदाज न करें।